करना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आस्था शर्मा है। आप आज वोट कास्ट करके आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे देखा जाए तो पिंक पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया है स्पेशली फॉर वुमेन। हाँ, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैंने तो वैसे पिंक पोलिंग वहाँ पे तो दिया नहीं, मेरा आगे था जी। बट अच्छा था, स्मूथ था। अभी जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो उन्होंने कुछ मतलब दे लेट मी गो अहेड इन लाइन और आराम से वोट कास्ट किया। काफ़ी सिस्टमैटिक्स है एंड अच्छा है। मतलब दिस शुड बी अ थिंक कि सबको आना चाहिए वोट करने के लिए और घर पे नहीं रहना चाहिए। मतलब मेरा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आई हैव कम हियर टू गिव माई वोट, तो इट शुड बी मतलब अपने देश को आगे बढ़ाना है तो वोटिंग तो करनी चाहिए। आप एक देखा जाए तो यूथ को जैसे आप कह रही हैं आगे आना चाहिए। हाँ जी। कितने युवा ऐसे हैं जो वोट कास्ट करने नहीं आते, आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मेरा यही मैसेज है कि मतलब वोटिंग तो हमारा राइट है और जैसे बाकी चीज़ों में हम आगे जाके अपना राइट मांगते हैं तो जो हमें दिया गया है वो तो हमें करना ही चाहिए। और जैसे अभी मेरा सेकंड टाइम है वोटिंग का, तो मैं तो चाहूँगी कि आगे भी मैं हमेशा वोट देने आऊँ, चाहे कोई भी सिचुएशन रहे, कहीं पे भी हूँ मैं। ऐसे मेरा मैसेज सबको है कि सबको आना चाहिए आगे और अपने साथ साथ बाकियों को भी प्रोत्साहन करना चाहिए कि आगे आएँ और वोट दें। किन किन मुद्दों पर आपको लगता है आप वोट कास्ट करके आई है? हाँ जी। क्या होप है आपको आने वाली गवर्नमेंट के लिए? मेरा होप तो यही है कि गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से करे। जैसे मतलब यूथ के लिए बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ानी चाहिए जी। और हर सेक्टर में, जैसे मैं आई एम अ डॉक्टर, तो हेल्थ सेक्टर में और विकास होना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज लानी चाहिए। बाकी तो और क्या ही बोलूँ मैं, यही सब। बाकी लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि वोटिंग के लिए सबको आना चाहिए। दिस इज़ अ पावर ग्रांटेड टू अस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम लोग को इसको अवेल करना चाहिए, हमेशा आगे आना चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए। और बाकी तो क्या ही, इट शुड बी सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल। ये नहीं कि अपना एक वो समझना चाहिए कि हाँ भाई जाना है वोट करने, ये नहीं समझना चाहिए। मतलब एक जैसे बाकी हम समझते हैं फेस्टिवल्स हैं, तो इसको भी वैसे ही हमें लेके आगे आना चाहिए और अपना राइट प्रिवेल करना चाहिए, अपनी पावर एग्जीक्यूट करनी चाहिए। थैंक यू।